प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में भिलाई 3 के सोसाइटी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के आह्वान पर भिलाई 3 स्थित जिला सहकारी सेवा समिति केंद्रीय बैंक कार्यालय में भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं भाजपा मोर्चा सहित अनुश्रामिक संगठनों के पदाधिकारियों सहित पूर्व विधायक सावलाराम डहरे, चरोदा निगम की पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों के मुद्दे को उठाते हुए गुणवत्ताहीन वर्मी कंपोस्ट खाद की खरीदी की अनिवार्यता को खत्म करने व रासायनिक खाद के अभाव को दूर करने, साथ ही दलहन व तिलहन के बीज की कमी को दूर करने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम समिति के प्रबंधक को सौंपा गया। वहीं इसे लेकर भाजपाइयों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के 2058 जो सहकारी समिति हैं उन सरकारी समितियों में विभिन्न मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज चरोदा मंडल के द्वारा किसान मोर्चा के नेतृत्व में सोसाइटी के सामने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार ने किसानों के साथ पूर्णतः छलावा किया, किसानों को धोखा दिया, किसानों के साथ उसने बेईमानी किया। उन्होंने कहा था कि हमने किसानों का दाना दाना हम खरीदेंगे, उन्होंने कहा था कि हम किसानों के रवि फसल का भी 2500 रुपए में खरीदेंगे। हम आज चरोदा मंडल में प्रमुख 5 मुद्दों को लेकर यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा सहकारी केंद्रीय बैंक में यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ की जो प्रदेश की जो सरकार है तो सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे किसानों के भरोसे। आज उन्होंने शासन मिला, उसको कुर्सी मिली प्रदेश का, लेकिन उन्हीं लोगों को किसानों को पूरा ठग रही है सरकार। और खाद के नाम पर उसमें रेत मिलाकर कुछ भी काली मिट्टी मिलाकर ऐसे दे रहा है और किसानों को बाध्य कर रहा है कि आप प्रति 1000 का आपको गोबर खाद खरीदना है, जबकि वो 2 रुपया में ले रहा है और उसमें भी मिलावट करके दे रहा है ये सरकार। जी, हमने विगत 13 मई को किसानों के हित में जो 5 बिंदु हमने तय किया था, प्रथम बिंदु ये था कि राज्य सरकार जो है भूपेश बघेल की सरकार 2 रुपये लागत की जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए हैं जो गुणवत्ता विहीन है, जिसका कोई मानक इसको माने उचित नहीं मानक का नहीं है, अमानक खाद को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रति एकड़ 1000 रुपये का खाद खरीदने की जो बात कर रहे हैं किसानों को, और बोलते हैं कि यदि आप वर्मी कंपोस्ट नहीं लेंगे तो हम आपको रासायनिक खाद और बीज की को भी नहीं देंगे। बहरहाल इनकी मांगे पूरी नहीं होने पर भाजपाइयों द्वारा उग्र आंदोलन की बातें कही गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।